प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि भारतीय नौसेना की रैंक्स का नाम अब भारतीय परंपराओं के अनुरूप रखा जाएगा। अभी के टाइम में भारतीय नौसेनाओं में दो तरह से रैंक बांटी गई है, एक तो अफसरों की रैंकिंग होती है और दूसरी नाविकों की यानी कि सेलर्स की रैंकिंग होती है। ऑफिसर्स की क्लास की भर्ती भी प्रोसेस भी अलग होती है और नाविकों की चयन प्रक्रिया भी अलग होती है। नेवी में सबसे सीनियर रैंक की बात करें तो वो एडमिरल है, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। वैसे तो कुछ सालों से तीनों सेनाओं के चीफ के ऊपर भी एक पोस्ट बनाई गई है जिसे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। अगर सिर्फ नेवी की बात करें तो नेवी में एडमिरल सबसे सीनियर होते हैं, उनके बाद वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और मिडशिपमैन आते हैं। ये सभी पोस्ट ऑफिसर रैंकिंग में आती है। वहीं बात करें नाविक रैंकिंग की तो इनमें सबसे सीनियर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर होते हैं और ये रैंक के आधार पर होता है। जैसे सबसे सीनियर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट रैंक होते हैं, जबकि चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड रैंक दूसरे नंबर पर होते हैं। इनके बाद चीफ पेटी ऑफिसर लीडिंग रेट, सी मैन फर्स्ट क्लास, सी मैन सेकेंड क्लास का नंबर आता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।